नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भर्ती बोर्ड की तरफ से एक 22 दिसंबर को एक नोटिस जारी हुआ है और इस नोटिस को आपने, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख लिया हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी ना देखा हो। तो देखिए, इस विज्ञप्ति में या फिर इस नोटिस में क्या बोला गया है कि भाई जेल वार्डन, फायरमैन और आरक्षी, घुड़सवार, पुलिस के जो पदों की जो परीक्षा हुई है 19 और 20 तारीख को, दो दो पालियों, मतलब चार पालियों में जो परीक्षा हुई है, तो उनकी आंसर कुंजी जो है वो तो जारी कर दी गई थी। ठीक है, उत्तर कुंजी के संबंध में, ऑनलाइन आपत्तियों के संबंध में, मतलब जो आपको लगता है कि ऑनलाइन जो है आपत्तियां हैं, ऑनलाइन मतलब कि जैसे कि जो आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जिस क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी लगती है, फिर जो क्वेश्चन आपको बोर्ड का गलत लगता है, तो उस क्वेश्चन को आप आपत्ति के रूप में दर्ज करा सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि पुरुष और महिलाओं के लिए जेल वार्डन की परीक्षा हुई थी भाई 19 और 20 तारीख को, और 22 तारीख से आपका जो है उत्तर कुंजी पे जो आपत्तियां हैं वो स्टार्ट करी जा रही हैं, और कब तक, 29/12/2020 तक, यही 29 दिसंबर तक, और कब तक, रात्रि के 12 बजे तक ये आपका वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, जिसको भी ऐसा लगता है कि उसका वो क्वेश्चन जो है उसका वो क्वेश्चन सही है लेकिन बोर्ड ने उसको गलत आंसर दिया है, तो आप एक काम करिए, आप उसको बकायदा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम पे एक लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाके आप बाकी अन्य स्टूडेंट से भी चर्चा कर सकते हैं। मेरे को भी उसको फोटो सेंड करिए, आप उस ग्रुप पे ही सेंड कर सकते हैं फोटो। ठीक है, टेलीग्राम लिंक वो ओपन ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिए, वहां पे आप अपनी आपत्तियां दीजिए। आपत्तियों के बाद जो है आपस में स्टूडेंट्स भी बताएंगे आपको कौन सी आपकी सही है या गलत है, जो भी क्वेश्चन, ये नहीं कि पूरा पूरा पेपर आप उठा के दे दीजिए, नहीं, जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है वही क्वेश्चन आप दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट बनाइए और बाकायदा उस ग्रुप पे डालिए। उस ग्रुप पे मैं भी हूं, मैं भी आपको बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है या गलत है, और अन्य स्टूडेंट्स भी जो है उसके, जब वो क्वेश्चन का ये मान लिया जाएगा कि हाँ आप जो है आप सही करके आए हैं लेकिन बोर्ड ने गलत माना है, तो फिर उसका सोर्स को ढूंढ के और उसको सोर्स के साथ बकायदा सबूत के साथ उसको जो है अपलोड कर दिया जाएगा बोर्ड की वेबसाइट पे। लेकिन जल्दबाजी मत करिए, 29 तारीख का टाइम है। ठीक है, तो बकायदा 27 तारीख तक अपना सारा के सारा डेटा अपना कलेक्ट करिए, क्योंकि पूरा आपको डिटेल में आपको देना पड़ेगा उनको, जो भी आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर जो आप सही करके आए हैं उसका आपको बकायदा सबूत देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये नहीं कि आज एक क्वेश्चन का आपको मिल गया तो एक क्वेश्चन कर दिया, नहीं, एक ही बार में होगा, बार बार नहीं होगा। इसमें बोला गया किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति है तो आपत्ति आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप आपत्ति ऑनलाइन के अलावा, ये नहीं कि पोस्ट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, ऐसा किसी से नहीं, सिर्फ ऑनलाइन का जो ऑनलाइन उन्होंने जो पोर्टल खोला है, इन्होंने पोर्टल खोला है, ठीक है, तो उस पोर्टल के थ्रू ही आप जो है अपनी ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। लेकिन उसमें आप ये चीज ध्यान रखना है, पूरा पेपर चेक करने के बाद ही अपनी ऑनलाइन जो आपत्तियां वो दर्ज कराना। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की सहायता आपको लगेगी उसमें लॉगिन करने में, और उसके बाद कोई उसमें ऐसा नहीं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर दिए जा रहे लिंक में J फॉर जेल वार्डन और F फॉर फायरमैन पदों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप जो है इसमें देख सकते हैं। उसके बाद केवल एक बार ही बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। मैंने ऊपर ही बता चुका हूं, एक बार ही वो लिंक एक्टिवेट हो सकता है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से। एक बार आपने, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बोर्ड ने गलत दिया है या फिर बोर्ड ने इसका आंसर गलत दिया है, आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और इसको आपने अपलोड कर दिया कि भाई हाँ ये आपत्ति दर्ज करा दी, फिर आपको पता चलता है कि दो और क्वेश्चन मिले हैं, तो फिर आप ये दो क्वेश्चनों का नहीं कर पाएंगे, फिर सिर्फ सिंगल यही क्वेश्चन आपका आपत्ति दर्ज रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा पेपर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि रजिस्ट्री, डाक, ईमेल, किसी के माध्यम से भी आपका जो है प्रार्थना पत्र भी सम्मिलित है तो कोई विचार नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लिंक के माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, वैसे ये कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सावधानी बरती है, लेकिन सावधानी इनकी किस तरीके की होती है आप खुद ही अपनी सावधानी रखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे मेरिट ऊपर नीचे होती है। ठीक है, दो नंबर का एक क्वेश्चन है, इस वजह से
बहुत सारे एक क्वेश्चन से हो सकता है कि आप अंदर हो जाएं, एक क्वेश्चन से हो सकता है आप बाहर हो जाएं, तो बहुत ही संभाल के सोच समझ के। इसका मतलब ये है कि ये आपसे आपत्ति मांग रहे हैं 29 तारीख को। 29 तारीख को आपत्ति मांगने के बाद फिर 1 तारीख को, 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी इनकी बोर्ड की बहुत फेवरेट डेट है, 1 या 2 जनवरी को ये दोबारा की आपकी जारी करेंगे अगर इनको कोई आपत्ति मिलती है, और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट। फिर आपका फरवरी में आपकी जो है दौड़ होने के चांसेस हैं। दौड़ के लिए मैं इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जेल वार्डन की दौड़ से संबंधित पूरी डिटेल वीडियो होगी, ठीक है। तो आप इसको पहले 29 तारीख तक आप किसी भी प्रकार से कुछ भी दौड़ वगैरह जो आप कर रहे हैं वो अपनी नॉर्मल तरीके से करते रहिए, लेकिन इसको सबसे पहले देखिए। और मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, आप उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद वहां पर आप जो है आपस में चर्चा करके और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर, कौन से आपके गलत हैं कौन से आपके सही हैं, वो सारे के सारे जो आपको गलत लगते हैं कि हाँ ये बोर्ड ने आंसर इसका गलत दिया है, आपने सही करके आए हो, वो उसका स्क्रीनशॉट खींच के उस पर डालिए। बाकी अन्य स्टूडेंट्स भी हैं वहां पर, मैं भी वहां पर मौजूद हूँ, वहां पर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।